हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ चल रही होगी। सो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है मर्चेंट नेवी की न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, एज, एग्जाम पैटर्न, सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी सीरियस हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि मर्चेंट नेवी में न्यू रिक्रूटमेंट आई है, तो चलिए बता दूं आपको कि टोटल कितने पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। टोटल पोस्ट है आपका 1475 और सिर्फ ये मेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो आइए आपको बता दूं कि पोस्ट वाइज कितना सीट रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी आपको। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट पोस्ट है आपका मेस बॉय का, जिसके लिए 300 सीट रखी गई है। 10th पास आउट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुक की पोस्ट के लिए 250 सीट है, इसके लिए भी 10th पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। सीमैन के लिए 206 सीट है, इसमें भी 10th पास आउट की रिक्वायरमेंट है। इंजन रेटिंग के लिए 175 सीट है, 10th पास आउट अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रीशियन के लिए 200 सीट है, 10th प्लस ITI की रिक्वायरमेंट है। वेल्डर या हेल्पर के लिए 235 सीट है, 10th प्लस ITI की यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। डेकोरेटिंग की 106 सीट है, 12th पास आउट इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब पोस्ट वाइज सबकी मैं सैलरी आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है आपका मेस बॉय का 15,000 रुपीज़ टू 25,000 रुपीज़ इसकी सैलरी रहने वाली है। सेम सैलरी आपको कुक की पोस्ट के लिए मिलती है। सीमैन के लिए 15,000 टू 30,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी होती है। इंजन रेटिंग के लिए 20,000 टू 40,000 रुपीज़ के बीच में आपको सैलरी पर मंथ मिलती है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 25,000 टू 40,000 एंड सेम ही सैलरी आपको वेल्डर एंड हेल्पर की पोस्ट के लिए भी दी जाती है। रही बात डेक रेटिंग के लिए, तो इसमें फ्रेंड्स आपको 30,000 टू 55,000 पर मंथ की सैलरी होती है। सो मेरे अंदाज से अगर मेरे से आप अगर सजेशन लो तो मैं तो बोलूँगी कि आप इसके लिए 100% अप्लाई करो। एक तो आपका क्वालिफिकेशन भी कम है, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है और ज़्यादा कुछ डिमांड भी नहीं किया गया है। और सिंपल सा अगर आपको कोई जॉब करना है तो आपको बहुत अच्छा रहने वाला, आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई करना है इसके लिए। चलिए बता देती हूँ कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट है ऑनलाइन। ये ऑलरेडी स्टार्टेड है आपका 18th ऑफ सितंबर से, लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 10 अक्टूबर 2023 रहने वाला है। फॉर्म की फ़ी की बात करें अगर तो कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। रही बात की एग्ज़ाम कब होगा, अक्टूबर से नवंबर 2023 के बीच में ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स रिजल्ट का जो डेट होता है ना, आपको विद इन 3 डेज, मतलब आप एग्ज़ाम देते हो उसके 3 दिनों के अंदर ही आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है कि रिजल्ट कब आएगा। हाँ, एज लिमिट रही कि आप सोच रहे होंगे कितने एज के बच्चे, कितने से कितने एज के बीच के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो 17.5 यानी 17.5 साल से लेके 25 ईयर्स मतलब 25 साल तक के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्शन प्रोसेस सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव रिटन एग्जामिनेशन, देन होता है आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगी, तब जाके आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो चलिए मैं रिटन एग्जाम की पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए। टाइम मिलता है आपको 2 आवर्स के लिए। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये होना चाहिए तो आप उसको भी टिक करके आ सकते हो, आपका जो पॉजिटिव मार्क्स है उसमें से कुछ कट नहीं किया जाएगा। सो चलिए सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, साइंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए एंड मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों मिला के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। सो आई होप कि एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका नोटिफिकेशन पोस्ट कर दूंगी।
अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो मैं क्यों अप्लाई करूं, तो आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मर्चेंट नेवी में जॉब कर रखा है या फिर कर रहे, आप एक बार उनसे बात करना कितना अच्छा यहाँ पे पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको दिया जाता है, सैलरी भी ना लाखों महीना लोग कमा रहे हैं उसमें जाके। तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए कि आपको करना है या नहीं। अदरवाइज जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, यहाँ पर आप कहीं भी सरकारी जॉब में अगर जाते हो अप्लाई करने तो कुक की पोस्ट के लिए पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। अगर आपको कुक की पोस्ट के लिए करना है तो पेपर दो, सिलेक्शन होगा, फिर वहाँ पे आपको ट्रेन किया जाएगा। तो जब ट्रेनिंग पीरियड होती है उस समय थोड़ा सा कम सैलरी मिलता है जितना आपको बताया, बाद में ना अच्छा खासा इंक्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो जाता है। सो आई होप कि सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने बताया है कि नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो मेरे टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर लो। और अगर इसके बारे में कुछ भी क्वेरी छूट गई हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि मेरी सारी फ्रेश जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।